इंडिया एक्सप्रेस समाचार चैनल से मैं अनन्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं एक नई खबर। काशी काव्य गंगा साहित्यिक मंच 102वीं गोष्ठी मनाया गया। काशी काव्य गंगा साहित्यिक मंच वाराणसी की 102वीं गोष्ठी श्रीवास्तव म्यूचुअल फंड कार्यालय यादव कटरा सनबीम लहरतारा रोड चंदुआ सिद्धुपुरा वाराणसी में रविवार को मनाया गया। इस गोष्ठी की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष वरिष्ठ कवि भुलक्कड़ बनारसी ने किया। मुख्य अतिथि मुनिन्द्र कुमार पांडे मुन्ना संचालन संस्था के महासचिव गजलकार गोपाल केसरी ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में संस्था के संरक्षक शैलेंद्र अम्बस्ट ने सभी उपस्थित कवियों व शायरों को स्वागत एवं अभिनंदन किया। तदुपरांत सरस्वती बन्ना आदरणीय बैजनाथ श्रीवास्तव ने कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उपस्थित कवियों और शायरों ने हास्य व्यंग्य कवि भुलक्कड़ बनारसी श्री शैलेंद्र कुमार अम्बस्ट गोपाल केसरी जमाल बनारसी जयप्रकाश मिश्र धानापुर इकबाल लोहर तवी मुनिन्द्र पांडे मुन्ना सत्यनारायण आसिक बनारसी खलील राही नशाद बनारसी डॉक्टर विनोद स्वामी बैजनाथ श्रीवास्तव बेताल जी चिंतित बनारसी सायर जमाल बनारसी विनोदी यादव मुंबई विमल बिहारी गणेश सिंह प्रहरी व किशन यादव इत्यादि रहे। संस्था के साहित्यिक सचिव जय प्रकाश मिश्रा धानापुरी ने धन्यवाद ज्ञापित किया और अल्पाहार के बाद गोष्ठी स्थगित किया गया। यह जानकारी भुलक्कड़ बनारसी अध्यक्ष काशी काव्य गंगा साहित्यिक मंच वाराणसी ने दिया। इस अवसर पर इंडिया एक्सप्रेस से संजय कुमार की एक रिपोर्ट पेश है। सबको सस्ती बिजली और पानी मिलेगा, कनेक्शन फ्री में बटवाएंगे। अब भीड़ में से उठ के एक श्रोता ने सवाल किया, आप नेता जी ऐसा कैसे कर पाएंगे? और नेता ने कहा कि एक मौका देकर देखिए, आप वायदा याद रखना भूल जाएंगे, आप वायदा याद रखना भूल जाएंगे। एक पत्रकार ने मुझसे कहा, कवि जी सम्मान वापसी पे अपनी राय दीजिए। मैंने कहा, अब तक जितने सम्मान वापस हुए मेरे घर भेज कर विवाद पत्रकार ने कहा कि आप मेरे टिकाऊ हैं, जरा सा लेखनी का कद्र तो कीजिए। और मैंने कहा, इस देश में बिकना गुनाह नहीं, सही कीमत दीजिए किसी को खरीद लीजिए। आज जूतों की बात बहुत चली, आसिक भाई ने तो पूरा महफिल लूट लिया, तो चार पंक्तियाँ देता हूँ, वही भाव देता हूँ जो आपने दिया था अपने शेर में। भक्त दर्शन को जाते हैं, कहाँ दर्शन पाते हैं, टकटकी लगा के वो जूते को निहारते हैं, सीढ़ी के नीचे भी जूता मस्त होता है, भगवान से ज्यादा ध्यान जूते पे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।